नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। तो आज हम चालू करेंगे सेट 6 ऑफ 1000 पजल सीरीज। अभी तक करीब करीब हमने 25 पजल्स कर लिए हैं अप्रॉक्स, मुझे पूरा एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो आप लोग नोट करते जाइए कितने कर रहे हैं। तो 25 पजल्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आज जो है हम फर्स्ट पजल जो करेंगे वो आप लोगों का SBI PO का लेवल रहेगा। पहला जो पजल होगा वो आप लोगों का SBI PO प्री का लेवल रहने वाला है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कल मैंने ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज किया था, आप लोगों को अपने रिव्यूज दीजिए, तो काफी अच्छे अच्छे रिव्यूज मिले बहुत, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे सर लेवल बढ़ाओ। तो लेवल जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इंक्रीज करो, दोस्तों एक चीज को ध्यान रखिए कि जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, वो अगर मैं लेवल इंक्रीज कर दूंगा तो वो सिखाना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, सीख पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ट्रिकी होते जाते हैं क्वेश्चन तो आप उस चीजों को जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अभी लेवल जो है वो क्लर्क लेवल को अभी रखा हूँ। भाई 1000 पजल्स करने हमको तो एटलीस्ट कम से कम 200-250 पजल्स जो है हमारे क्लर्क लेवल के होने चाहिए, 250 पजल्स हमारे SBI PO लेवल के होने चाहिए, फिर 250 उससे भी ऊपर 2-3 वेरिएबल वाले जो होते हैं वो होने चाहिए, और लास्ट में कोशिश करेंगे हम कि मेंस के भी कुछ 200-250 क्वेश्चन हम करें। तो इसीलिए जो लेवल है वो बिल्कुल सही है, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि लेवल ईजी है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आप लोगों को लेवल जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप 1000 पजल की सीरीज के क्वेश्चंस बना रहे हो, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप यहां पर रेगुलर क्लासेस लाइव देख रहे हो और यहां पर सॉल्व कर रहे हो, तो एग्जाम में जब आप जाओगे और पजल देखोगे तो आपको यही लगेगा कि आप 1000 पजल सीरीज के ही क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो। बस चीजों को सीखिए, जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो भी है, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो, प्लस का कंसेप्ट हो, क्रॉस कंसेप्ट हो, या फिर जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारी चीजों को ध्यान से समझो और उनको अप्लाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा, पहला पजल वो SBI PO प्री लेवल का पजल है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं PDF अपलोड कर देता हूं। चलिए स्टार्ट करिए दोस्तों, इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। ये आप लोगों का SBI PO का लेवल है। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जो होगा मैक्स 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अटेंडेंस अभी करीब 2500 स्टूडेंट्स लाइव हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, एक बार रिफ्रेश कर लो जिनको भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। जल्दी बनाइए दोस्तों, यहाँ मौसम खराब है बहुत दिनों से, काफी तेज हवाएं चल रही है, कल भी शाम को क्लासेस नहीं हो पाई इसी वजह से। Thank you.
चलिए, काफी सारे लोगों के डन के मैसेजेस आने चालू हो चुके हैं। एक बार मैसेज करके बुला लिया जाए कुछ लोग, जब तक बुलाव नहीं आते नहीं है। देखिए, टाइम पे आप लोग क्लास पे आया करिए, क्योंकि अगर कुछ भी मिस करोगे तो ये सब चीजें आप लोग बाद में नहीं सीख पाओगे। और ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं इस सीरीज में सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सीखा होगा पहले। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी, क्योंकि आप लोग जो मेरे पुराने फ्री वीडियोज देखते हो ना, उसमें ये सब चीजें मैंने नहीं सिखाई थी। अभी ये कुछ कुछ नई नई चीजें मैंने इसमें सिखाना चालू किया है पजल्स में। समय के साथ अपने आप को अपडेट करना चाहिए, तो नई नई चीजें सीखो। अगर आपसे बन जाते क्वेश्चंस और ये सोचते हो आप हमसे तो बन जाते हैं यार, तो ऐसे में आप नई चीजें नहीं सीख पाओगे, आप वही पुराने तरीकों से बनाते रहोगे हमेशा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। काफी सारे लोगों का सॉल्व हो चुका है। कितने लोगों का सॉल्व हो गया जल्दी से एक बार यस कर दीजिए, जिनका सॉल्व हो चुका है। ये लेवल जो है ये पीओ लेवल है, एग्जैक्ट पीओ का जो लेवल होता है वही लेवल का ये क्वेश्चन है। और इसके बाद अब जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो क्लेरिकल लेवल रहेंगे। क्लेरिकल लेवल में इसलिए करवा रहा हूँ, मैंने अभी शुरू में बताया आप लोगों को कि जो चीजें सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग क्लेरिकल लेवल में इजीली सीख पाओगे। हाई लेवल के क्वेश्चन में अगर वो बताऊंगा तो वो सब ऊपर से जाएगा। सिर्फ 16% लोगों से हुआ है, कैसे कर दे रहे हो? कितने लोग हैं? 3,000। करें, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, जब कंडीशंस को आप पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा उनको अच्छे से पढ़ा करिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए, आपको बोल रहा है 8% के एल एक्स जेड बी सी वाई एंड क्यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग साउथ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो एक रो पर 8 लोग बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप लोगों को एक नई चीज यहां पर सीखने को मिलेगी, हालांकि मैंने पलटने वाला कंसेप्ट आप लोगों को बताया हुआ है, बट काफी लोगों को नहीं पता होगा। कितने लोगों को पता है भाई पलटने वाला कंसेप्ट, जिसमें हम क्वेश्चन को अपने पेज को पलट देते हैं तो आंसर आ जाता है? यस कर दो भाई जल्दी से एक बार, जिनको पता है। सिर्फ 55% लोगों को। तो देखिए, जिनको पता है आप लोग भी बनाइए, और जिनको नहीं पता वो लोग भी ड्रॉ करिए। ये जो चीज मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसको ड्रॉ करिएगा अपने पेज पे या कॉपी पे। पलटना किस तरीके से वो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? वो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ड्रॉ करे रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। ड्रॉ इसलिए ड्रॉ जरूर कर लेना, एटलीस्ट सिर्फ इतने को जो मैं यहाँ पर आंसर बनाऊंगा, सिर्फ इतने को ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद पलटना किस तरीके से वो मैं बताऊंगा, ठीक है? 10 में से 1 ही में अप्लाई होता है? नहीं, हर नॉर्थ साउथ वाले में अप्लाई होता है ये, हर नॉर्थ साउथ वाले में अप्लाई होता है, ठीक है? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए। जेड सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स। इसको कंडीशन को नोट कैसे करना है, ध्यान से देखिए। आपको बोल रहा है जेड सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन, थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है उस पर्सन के हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एक्स, जो कि एक्स के सेकंड टू राइट में बैठता है। तो कैसे बनाएंगे, एक्स के सेकंड टू राइट में ये जो पर्सन है, एक्स के सेकंड टू राइट में ये जो पर्सन है, इसके थर्ड टू लेफ्ट में यहां पर बैठता है जेड। ऐसा ही बोला है आपको, यही चीज बोला था ना, जेड सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एक्स। आगे क्या बोल रहा है, मोर देन 2% सिट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 2 से ज्यादा लोग है, तो +2, 2 से ज्यादा मतलब +2, 2 से ज्यादा ही होंगे। आगे बोल रहा है सी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एल, सी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है एल से। के डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन, के जो है वो साउथ नहीं देखता, मतलब कि ये नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेगा।
वाई डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन एज एल, वाई और एल सेम डायरेक्शन फेस नहीं करते, इसलिए वाई और एल ऑपोजिट हो जाएंगे डायरेक्शन में. जेड एंड एक्स नीदर सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड नॉर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर. जेड और एक्स जो है ये ना तो किसी एंड पर बैठते हैं और ना ये इमीडिएट नेबर्स है. देखो इमीडिएट नेबर्स नहीं है मतलब कि ये सर्कल हमने बना दिया और इस पे क्रॉस कर दिया, ये नेबर्स नहीं है और ये एंड पर भी नहीं है, तो ऐसे हमने कर दिया इसको. आगे बोल रहा है क्यू सिट. अच्छा ये कंडीशन पढ़ते साथ भाई एक चीज तो समझ में आ गई कि जो जेड और एक्स है वो यहां और यहां होंगे, इसके अलावा और वो कहीं नहीं हो सकते. समझ में ये देखो पढ़ते साथ समझ में आना चाहिए ये चीज. अगर ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आ रही है मतलब अभी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है पजल का वो डेवलप नहीं हुआ है, टाइम लगेगा थोड़ा सा. कैसे मैं समझाऊंगा, वेट करो थोड़ा सा समझाऊंगा भाई. पढ़ते साथ ये जैसे ही हमको पता चला ना कि जेड और एक्स जो है इमीडिएट नेबर्स नहीं है और ये एंड पर भी नहीं है तो डेफिनेटली यहां और यहां आएंगे, ये कंफर्म हो गया. कैसे कंफर्म हुआ भाई, देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी पूरा डिटेल में बताऊंगा फिर. कितने पर्सन दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 8 थे, एंड पे नहीं है, 6 पर्सन है मतलब कि सेकंड लास्ट इधर से, सेकंड लास्ट इधर से. अब क्यों होगा कैसे होगा वो लास्ट में बात करेंगे, पहले इधर ध्यान दो. Q sits fourth to right of the one who sits immediate left of Z. Q sits fourth to right of the one. Q जो है fourth to right में बैठता है. First, second, third, fourth. ये fourth to right में बैठता है. Q sits fourth to right of the one who sits immediate left of Z. जो कि Z के immediate left में बैठता है. तो इस person के Z के immediate left में जो भी person है उसके fourth to right में Q बैठता है. Only 2% sit between Y and L. Y और L के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2% है. B sits to the left of Q and faces opposite direction to Q. B sits left of Q. B जो है वो left में बैठता है किससे, Q से. और इनका direction क्या है, and opposite direction. ठीक है. Those who sit at extreme end do not face same direction. तो ends वाले जो हैं ये opposite direction face करते हैं. Y is an immediate neighbor of neither X nor Q. X और Q का neighbor Y नहीं है. ठीक है चलो अब बनाते हैं, अब इसको समझाऊंगा. ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस कंडीशन को, ध्यान से देखिए भाई, बहुत अच्छी चीज है ये समझने के लिए. यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि भाई जेड और एक्स जो है वो ना तो यहां पर आ सकता है ना तो यहां पर आ सकता है, क्योंकि आपको बोला है कि एंड पर जेड और एक्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो ये जेड और एक्स जो है ये एंड पर नहीं हो सकते. अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर आपको ये बोल रहा है एक्स के सेकंड टू राइट वाले पर्सन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में जेड है, ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से नहीं बना सकते ना कि x को यहां पर ले लिए, सेकंड टू राइट में जो पर्सन है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में z, क्योंकि z और x तो इमीडिएट नेबर हो जाएंगे. अभी काफी लोग बोलेंगे सर ये तो एंड पे होगा, नहीं एंड छोड़ो, एंड को छोड़ो, मैं यहीं पर कहीं पर भी बात कर लेता हूं. जैसे कि अगर आप मान लो यहां पर x को रखते हो, मैं एक पॉसिबिलिटी बना के बता रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल. तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर मैं x को ऐसा बना लेता हूं ऊपर की तरफ डायरेक्शन देके कि सेकंड टू राइट में जो पर्सन है, ठीक है, उसके थर्ड टू लेफ्ट में जेड, यानी कि पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, भाई ये पर्सन का लेफ्ट कब होगा, जब ये भी नॉर्थ की तरफ देखेगा. अगर मैंने एक्स को नॉर्थ की तरफ दिखाया, सेकंड राइट में जो भी पर्सन है उसके फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में जेड होना चाहिए, तो ये दोनों तो नेबर हो गए ना, गलत हो जाएगा ना. ये देखो बोला है कि दोनों नेबर नहीं होने चाहिए, तो ये गलत हो गया. इसका मतलब क्या है भाई, आपको ये वाले डायरेक्शन को इधर ना लेके आपको इधर लेना चाहिए था. और जैसे ही आप इसको ऐसे साउथ की तरफ डायरेक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ये एक्स जो है ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, सेकंड टू राइट में जो पर्सन है साउथ की तरफ फेस कर रहा है, इसके थर्ड टू लेफ्ट में जेड, यानी कि 1, 2 और ये जेड, तो कितने पर्सन हो गए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पर्सन हुए, हुए कि नहीं हुए 6 पर्सन. तो भाई 8 लोगों के अरेंजमेंट में अगर आप ये 6 पर्सन सेट कर रहे हो तो इसका मतलब कैसे बनेगा, वही होगा ना जो शुरुआत में बताया था, एक पर्सन यहाँ एक पर्सन यहाँ. तो जो दिख रहा है इसको ड्रॉ कर दो भाई, एक्स को यहाँ पर रख दो, ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, फिर इसके सेकंड टू राइट वाला पर्सन ऐसे साउथ की तरफ फेस करेगा, और इसके थर्ड टू लेफ्ट में यहाँ पर जेड आ जाएगा. जेड का डायरेक्शन क्या होगा अभी हमको नहीं पता, अभी हमको नहीं पता कि जेड का डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है चलिए आगे चलते हैं. वैसे कायदे से बोला जाए तो जेड का डायरेक्शन भी आप बता सकते हो नीचे वाली जो कंडीशन दी है इससे, पर वो बाद में देखेंगे. ठीक है अभी आगे देखिए, ये पीओ लेवल है ना, अभी क्लर्क लेवल पे जाएंगे, थोड़ा वेट करो भाई. जिनको नहीं समझ आ रहा है ऐसा मत सोचना कि सर ये तो हार्ड हार्ड है, ठीक है. कुछ लोग बोल रहे थे लेवल बढ़ाओ तो मैंने बढ़ा दिया है, बट वेट करो थोड़ा सा. एक क्वेश्चन डेली हम करेंगे एसबीआई पीओ लेवल का, जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो फिर सारे क्वेश्चन हम पीओ लेवल के ही करेंगे. एक्स को साउथ भी तो ले सकते हैं, अरे तो बात तो वही होगी ना यार, आप साउथ लो चाहे नॉर्थ लो, कंडीशन तो वही होगी भाई. चलो साउथ मान लेता हूँ,
कैसा कैसा सवाल करते हो यार। चलो एक्स को मान लेते हैं, यहाँ पर ये साउथ में है, ठीक है, ये साउथ फेस कर रहा है। अब क्या बोला है, एक्स के सेकंड टू राइट में जो पर्सन है, तो एक्स के सेकंड टू राइट वाले पर्सन को अगर आप यहाँ पर ऐसा फेस करवाओगे तो क्या बोला है, इसके थर्ड टू लेफ्ट, तो भाई लेफ्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पर जेड, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक्स और जेड नेबर नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस वाले डायरेक्शन को आप ऐसा कर दोगे, अब क्या हो जाएगा भाई, अब क्या हो जाएगा, इसके थर्ड टू लेफ्ट में पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, यहां पर जेड होगा, ऐसा होगा ना, ऐसा। अब जेड एंड पे नहीं होना चाहिए, तो मतलब डेफिनेटली यहां पर एक पर्सन और होगा, तो ये वाले पर्सन को आप हटा दोगे, ऐसा। तो ये आपके हो गए पर्सन इतने सारे। तो बात तो वही है ना, आप चाहे साउथ लो चाहे नॉर्थ लो, भाई इसी को मैं ऐसे पलट दूंगा तो बात तो वही हो जाएगी ना, ऐसे पलटना मतलब इधर हो जाता है ना, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, समझ में आया ये चीज। चलो तो इसको आप बना देते हैं भाई, जो मैंने पहले बनाया था, नॉर्थ लेके ही करो, साउथ लेके मत करो, जबरदस्ती साउथ लेके मत किया करो। साउथ अगर होगा तो हम उसको बाद में सेट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या किया था हमने, एक्स को यहाँ पर रखे थे, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, सेकंड टू राइट में जो पर्सन है साउथ की तरफ फेस कर रहा है, थर्ड टू लेफ्ट में जेड होगा, जेड का डायरेक्शन अभी हमको नहीं पता। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद बताइए जल्दी से क्या सेट कर सकते हो इसके बाद आप। क्या सेट कर सकते हो, क्यू सेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेट कर सकते हैं भाई। देखो कैसे क्यू सेट करेंगे, आपको क्या पता है कि जेड के इमीडिएट लेफ्ट वाले पर्सन के राइट साइड में क्यू होना चाहिए, ठीक है, जेड के इमीडिएट लेफ्ट वाले पर्सन के राइट साइड में फोर्थ वाला पर्सन क्यू होना चाहिए। तो कैसे देखोगे, देखो अगर मान लो जेड ऊपर देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, इस पर्सन से तीन पर्सन छोड़कर क्यू होना चाहिए, 1 2 3 छोड़कर यहां पर क्यू को रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, पॉसिबल ही नहीं है रख पाना, समझ में आया कि नहीं, नहीं रख सकते ना। देखो पूरा पजल सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का खेल होता है, जितनी अंडरस्टैंडिंग पजल में बनेगी उतनी फास्ट आपसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ये सब चीजें ना लिखते समय ही समझ में आ जाता है यार, कि डेफिनेटली जेड का लेफ्ट ये वाला है, यहां से 3% छोड़कर क्यू यहां पर आएगा, दिखता है ये, जो पजल की काफी अच्छी प्रैक्टिस करता है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। तो या तो आप बना लो पॉसिबिलिटीज, और या तो फिर आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लो, तुरंत समझ में आएगा आपको, जेड के लेफ्ट बोला है, डेफिनेटली जेड का लेफ्ट यहां होगा, ऐसा जेड नीचे देख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ये वाला पर्सन, इस पर्सन के 3% छोड़कर राइट साइड में, तो राइट साइड बोला है मतलब ये भी नीचे देख रहा होगा, 1 2 3 छोड़कर यहां पर आ गया क्यू। इतना समझ में आया सभी को कि नहीं, क्लियर है, भाई जेड के, जेड को अगर मैं नॉर्थ मानता ना तो लेफ्ट ये वाला पर्सन हो जाता, तो इससे राइट इस तरफ तो दो ही पर्सन दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली राइट इसी तरफ लेना पड़ता, और राइट लेते तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ क्यू होना चाहिए था, बट यहाँ एक्स है तो आप नहीं रख पा रहे थे, इसलिए हमने जेड को साउथ की तरफ फेस कराया, इस तरफ में यहाँ पर हमने एक पर्सन को माना जिसके राइट में क्यू है, मतलब कि ये नीचे की तरफ देख रहा होगा, तो राइट में क्यू इस तरफ आ गया, तो ये हमारा सेट हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद सेट, अब इसके बाद आप सेट कर सकते हो ये वाई को, इस y को हम सेट करेंगे क्योंकि ये x और q का नेबर नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिए भाई दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ना तो y यहां पर आ सकता है, ना तो y यहां पर आ सकता है, ना तो y यहां पर आ सकता है, क्योंकि इन तीनों का ये नेबर नहीं है, ठीक। अब अगर y के लिए आपके पास ये दो जगह बचती है, मैं ऊपर में लिख भी देता हूं, देख लीजिएगा, ये y या फिर यहां पर y, तो ध्यान से सोचते जाइए, ध्यान से देखते जाइए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि y को आपको कहां पर रखना है। भाई देखो अगर मैं y को यहां पर रखूंगा ना तो गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्यों गलत होगा, देखिए सुनते जाइए भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा, जिनको समझ में आते जा रहा है बहुत अच्छी बात है, हाँ सी और बी को चेक करेंगे क्योंकि इसके बाद, जैसे ही मैं y को यहां पर रखूंगा, ये मैंने डार्क कर दिया, मतलब यहां पर एक y आ गया है, ठीक है। अब y से 2 छोड़कर आपको l रखना था, मतलब ये l हो गया, ये भी हो गया फिक्स, l से 1 छोड़कर c रखना था, भाई राइट साइड में देखो z दिख रहा है तो डेफिनेटली c यहां पर होगा। अब देखो सी से आप बी को कहीं पर भी रखो, दो ही गैप दिख रहे हैं ना आपको, दो ही गैप दिख रहे हैं, सी से आप बी को कहीं पर भी रखो, दो से ज्यादा पर्सन है क्या, दो से ज्यादा पर्सन दिख रहे हैं क्या, भाई जेड के इस तरफ वाले को देखो जो खाली है, जिसमें ब्लू मैंने नहीं किया है, वो वाला पर्सन से अगर सी को मैं चेक करता हूं तो भी 2 पर्सन है, और सी से एक्स के इस तरफ चेक करते हो तो भी 1 पर्सन, दो से ज्यादा कहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए,
ध्यान से सुनिए भाई, अगर ये वाई को हम यहां पर रखे होते तो होता क्या, गलत हो जाता। कैसे गलत होता? वाई को अगर हम यहां रखते तो 2% छोड़कर एल यहां पर हो जाता, और एल से 1% छोड़कर सी यहां पर हो जाता। तो अब इस सी से, ये वाले से, इस सी से आप चाहे बी को यहां पर रखो 2% दिख रहे हैं, चाहे आप बी को यहां पर रखो 1% दिख रहा है, बट हमको सी और बी के बीच में 2% से ज्यादा चाहिए। डेफिनेटली वाई यहां पर नहीं आ सकता, तो वाई को यहां पर सेट कर दो भाई, ये वाले पे, ये वाई आपका सेट हो गया। अब वाई से 2 छोड़कर एल तो यहीं पर आएगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि वाई से 2 छोड़कर इस तरफ तो एल आ ही नहीं सकता था। देखिए ये सब चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, आप लोग यहाँ पर ये मत सोचिए कि सर एग्जाम में इतनी देर तक करते रहेंगे तो हो गया। ये सब चीजें एग्जाम में नहीं करनी होती, ये घर पे करनी होती है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। एक बार अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई एग्जाम में, फिर फटाफट 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो मुझे तो दिख रहा है भाई कहाँ पर क्या चीज सेट होगी, आप लोगों को देखने के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए समझने की कोशिश करो चीजों को। ये वाई हो गया यहां पर, ये एल हो गया, अब क्या बचता है आपके पास? अब बचता है सी और बी। सी और बी कैसे सेट करेंगे दोस्तों? देखो आपको क्या पता है, एल से लेफ्ट की तरफ में सी होना चाहिए, एल से लेफ्ट की तरफ में सी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एंड वाले ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, अगर ये साउथ की तरफ देख रहा है तो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, हाँ या ना? देख रहा होगा ना? अब देखो कौन कौन सी कंडीशन हो चुकी है उसको इरेज कर देते हैं। एक्स और क्यू के बगल में वाई नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं। एल और वाई का ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसको रहने देते हैं अभी। एल और 2 छोड़कर ये हो गया, एक्स और जेड वाला हो गया राइट और ये पर्सन से लेफ्ट, ठीक है? ये भी हो गया था, और कौन सा हो गया था? जेड के इमीडिएट लेफ्ट वाले के राइट साइड में क्यों, ठीक है ये वाला भी हो गया था। अच्छा अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या सेट करना है। अब हमारे पास बचा क्या है, के नॉर्थ को भी छोड़ दो, अभी भूल जाओ के नॉर्थ को, क्योंकि वही तो की पॉइंट है भाई क्वेश्चन के लास्ट का, जिससे आंसर बनेगा। अभी इधर ध्यान दीजिए, अब आपको क्या पता है कि बी जो है वो क्यू से लेफ्ट की तरफ है और ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। बी जो है वो क्यू से लेफ्ट की तरफ है और ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान दो पूरा। इधर क्यू नीचे की तरफ देख रहा है, क्यू का लेफ्ट क्या होता है, ये या फिर ये? भाई नीचे देख रहा है तो लेफ्ट ये या फिर यही होगा ना, हाँ या ना? होगा, अपनी कॉपी में बना लेना ना जो मैं बनाया हूं। क्यू अगर लेफ्ट नीचे देख रहा है तो लेफ्ट ये या ये? अब आपको बोल रहा है कि बी जो है वो क्यू से ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करता है, तो भाई ये जो है ये तो क्यू का डायरेक्शन था, मतलब डेफिनेटली बी तो यहां आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली बी जो है वो यहीं पर आएगा, नॉर्थ की तरफ फेस करेगा। अब आपको बोला बी और सी के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, या फिर आप ये वाली कंडीशन ले लो कि एल से लेफ्ट की तरफ में सी होना चाहिए, तो डेफिनेटली एल से ऐसा लेफ्ट की तरफ सी यहीं पर बनेगा, ये बनेगा। अब बचता क्या है आपके पास, के, तो ये के को आप यहां पर रख दो। अब यहां पर काफी लोग बोल रहे होंगे कि सर ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो गलत नहीं हुआ है दोस्तों, आप पहले इसको तो ड्रॉ करिए, मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि इसको पलटते कैसे हैं। इसको पहले आप ड्रॉ करो, इतने को आप ड्रॉ करो अपने कॉपी में, सभी लोग कॉपी में इसको ड्रॉ कर लो भाई, पेज में, कॉपी में, जो भी है जिसमें भी आप ड्रॉ कर लो उसको। जैसे लेट सपोज ये पेज है ना, इस पेज में हमने इसको ड्रॉ किया है, यहाँ पर हमने ऐसा ड्रॉ किया है, तो मैं इस तरफ मान लेता हूँ कि मैंने ड्रॉ किया है। तो आपको करना क्या है, ड्रॉ करने के बाद आपको जैसे ही लास्ट में पता चला कि भाई कंडीशन तो सारी सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ मेरी एक ही कंडीशन गलत हो रही है, और वो कंडीशन क्या थी कि के जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होना चाहिए, पर आपका क्वेश्चन में जो आपने बनाया है के साउथ की तरफ फेस कर रहा है। आप इस पेज को पलटोगे किस तरीके से, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा घुमा दो, ऐसा पकड़े हो ना भाई पेज को, जो भी एग्जाम में ऐसा पेज होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पेज को ऐसा घुमा दो आप। अब आपको लेटर्स जो है ना आपके वो उल्टे दिख रहे होंगे, पर समझ में तो आ जाएगा ना भाई सी कैसा है। अब देख जैसे यहां पर मैं बताता हूं, ये जो सी है, अगर ये ऐसा लिखा होगा तो आप बता सकते हो ना भाई ये सी है, एक्स तो ऐसा कैसे ही दिखेगा, एल आपको ऐसा दिख रहा है तो क्या बता नहीं पाओगे कि एल है? समझ में तो आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो बस बन गया क्वेश्चन, और क्या। इसको घुमाओगे तो किस तरीके से दिखेगा मैं बता देता हूं आप लोगों को, जब आप पेज को अपना पेज बनाकर घुमाकर देखो भाई, तभी समझ में आएगा कि ये घूमने के बाद किस तरीके से दिखता है, वरना कंफ्यूज होते रहोगे हमेशा। जब आप इसको पेज को घुमाओगे ना तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये जो है ना ये पूरा ऐसा घूम जाएगा, यानी कि ये वाला ऐसा नॉर्थ की तरफ में, ये के हो गया आपका,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये आपका जेड हो गया। अच्छा, वाई का ऑपोजिट था एल से, तो आप इसको नीचे की तरफ ऐसा बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका वाई, उसके बाद आपका हो गया बी, उसके बाद हो गया क्यू, उसके बाद हो गया एल, ठीक है, और उसके बाद हो गया एक्स और सी। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इनका, ऐसा ऐसे ही बन रहा है। घुमा के देखो भाई, घुमाओगे तभी पता चलेगा। जैसे इसमें इसमें करके मैं बताता हूँ, मैं इसमें कॉपी में नोट कर लेता हूँ मैं। B, Y, Z, नीचे 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 ऊपर नीचे ऊपर। अब देखो इसको जब ऐसे क्लॉकवाइज में आप घुमाओगे ना, क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये ऐसा हो जाता है, यानी कि आपका हो गया सबसे इस तरफ में K नॉर्थ, फिर Z नॉर्थ, Y नॉर्थ, B साउथ, Q नॉर्थ, L साउथ, X साउथ और C साउथ। तो सभी का ऐसा बन रहा है भाई, आंसर सही है ये हमारा, बिल्कुल सही आंसर है, कोई गलत नहीं है। क्या जेड क्यू वाली कंडीशन? तो ये जो आप लोगों का मतलब किसी भी क्वेश्चन में ये चीज को आप अप्लाई कर सकते हो, बट हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि बस सर ने बोल दिया ऐसा बनाओ और घुमा दो तो घुमा दिए, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा वो रहता है ना भाई, टेढ़े दिमाग वाला, वो हर ट्रिक को फेल करने की कोशिश करता है हमेशा, और टीचर्स उनकी ट्रिक को मतलब उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्रिक में बदलने की कोशिश करते हैं। तो टीचर और एग्जामिनर दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें लाएं जिसमें ट्रिक ना लगा सकें, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसी चीजें लाऊं कि हम हर चीज में ट्रिक लगा सके, ठीक है। तो ये ऐसा कर सकते हो आप लोग, इसको ट्राई जरूर करिएगा, कुछ क्वेश्चंस बनाइए। कहीं कहीं पर गलतियां होगी, ऐसा मैं नहीं बोलता कि गलतियां नहीं होगी, पर जब गलती होगी तभी आप सीखोगे कि करना क्या था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम करेंगे क्लेरिकल लेवल, थोड़े इजी इजी, देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। तो कॉम्पिटिशन है आप लोगों के बीच में, फास्ट बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके बनाओ भाई, दो दो मिनट के अंदर पजल बनने चाहिए, क्लेरिकल लेवल है ये। कितना घुमाना है? अरे यार 180 डिग्री, ऐसे क्लॉकवाइज में 180 डिग्री पे घुमा दो उसको। पायल जी हैप्पी बर्थडे। You started from X, I started from Z. देखो आप Z से कैसे स्टार्ट कर सकते हो? Z का डायरेक्शन दिया था क्या? नहीं दिया था ना। आपको क्या बोला था? X के सेकेंड टू राइट में जो पर्सन है उस पर्सन से थर्ड टू लेफ्ट में Z है, पर Z का तो डायरेक्शन नहीं पता ना, तो आप Z से कैसे स्टार्ट कर सकते हो? स्टार्ट तो वहीं से करोगे जिसका डायरेक्शन आपको पता है। तो x का डायरेक्शन हमको पता था कि x जिस भी डायरेक्शन में हो हमको नहीं पता, लेकिन x का हम तो को ये तो पता ना कि x जिस भी डायरेक्शन में देख रहे हैं उससे सेकंड टू राइट में वो पर्सन है जिसके थर्ड टू लेफ्ट में z था, बट z के बारे में ऐसी कोई कंडीशन नहीं पता थी। इसीलिए z को मत स्टार्ट करो, z से करोगे तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी, बन तो उसमें भी जाएगा यार, ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, बनता हर कंडीशन से है, बट अच्छी कंडीशन कौन सी है जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी बने ये आपको डिसाइड करना होता है। ये धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है इसमें बिल्कुल भी, भाई डीमोटिवेट होने वाली कोई चीजें नहीं है। मिहिर जी वो लेवल नहीं होता एग्जाम का, इसलिए मैं वो सब नहीं करवाऊंगा, उनका लेवल एग्जाम के लेवल से मैच नहीं करता। मैं अपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि मैं वही लेवल के क्वेश्चंस मॉक्स में डालता हूं जो एग्जाम लेवल होते हैं, तो इसलिए मैं अपने मॉक्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। हलवा था ना एकदम, बहुत ही हलवा था। तो जिनको अभी तक ये नहीं पता कि क्लर्क में पेपर कैसे आते हैं, तो पेपर ऐसा आता है क्लर्क का, तभी बच्चे जो है 95-97 यहाँ तक कि 100-100 भी अटेम्प्ट करके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ये बात जान लीजिए कि आप लोगों का जो भी पेपर, अच्छा RRB PO का पेपर भी ऐसे ही रहता है ना, RRB PO और क्लर्क का पेपर भी ऐसे ही रहता है, इजी इजी हलवा हलवा। तो ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए कि पेपर हार्ड आएगा, कुछ नहीं आता हार्ड, बहुत इजी इजी चीजें रहती है।
बहुत इजी था, क्या बोल रहा है, 7% वर बॉर्न इन 7 डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर, जनवरी मार्च मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, 2% वर बॉर्न बिटवीन ए एंड एम, ए और एम के बीच में 2% है, एम वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ्स हैविंग 30 डेज, एम जो है ये 30 डेज वाले मंथ में पैदा हुआ है, टी वॉज बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर जेड, टी जो है वो जेड के इमिडिएट बाद में होना चाहिए, ओनली 2% वर बॉर्न बिटवीन जेड एंड आर, जेड और आर के बीच में 2% होने चाहिए, एस वॉज बॉर्न आफ्टर आर एंड बिफोर यू, एस जो है वो आफ्टर आर है और यू के पहले है, आर वॉज बॉर्न बिफोर जेड बट नॉट इन जनवरी, आर जो है वो जेड के पहले, अब देखो जेड से दो छोड़ के आर था और जेड के पहले है बोल रहा है, यानी दो छोड़कर यहां पर आ जाएगा आर ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन आर जो है ये जनवरी में नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको मंथ कौन कौन से दिए हुए थे, जनवरी, ठीक है, मार्च, मई, जून, जून के बाद क्या है जुलाई, सेप्टेम्बर और अक्टूबर। अब यहां पर आपको 30 दिन वाले कौन कौन से मंथ दिख रहे हैं, जल्दी से बताओ 30 दिन वाले कौन कौन से मंथ दिख रहे हैं, दो ही मंथ है सिर्फ यहां पर, जून और सितंबर, भाई सितंबर 30 का होता है और जून सितंबर जून 30 का होता है, कितने लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, यस कर दो तो जल्दी से, जल्दी से यस कर दो जिनका सॉल्व हो गया था, चलिए काफी लोगों का हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब यहां पर आप लोगों को बोला क्या, आर जो है वो जनवरी में नहीं हो सकता, आर जो है वो जनवरी में नहीं हो सकता, इस चीज पर फोकस करिएगा ना, थोड़ा सा इस चीज पर फोकस करिएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आर से 2% छोड़कर जेड और टी चाहिए, भाई आर अगर यहां नहीं रख सकते तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो आप आर को, आर को अगर यहां रखोगे तो 2% छोड़कर आपको जेड और टी रखना है, हाँ या ना, आर अगर यहां पर रखोगे 2% छोड़कर जेड यहां पर टी यहां पर ऐसी रखोगे, अब आपको M रखना है तो M के लिए सिर्फ और सिर्फ जून बचता है, जून बचता है आपके लिए, यहां पर M रख सकते हो, A को यहां पर रख सकते हो, बचा क्या S यहां पर U यहां पर होगा, सॉरी S यहां पर U यहां पर होगा कि नहीं होगा, देखना आपको ना, मेन चीज क्या होती है ना कि देखना है अच्छे से, इनको इमेजिन करो यार, रीजनिंग पूरा का पूरा इमेजिनेशन का खेल होता है। आर अगर यहां नहीं आ सकता तो आर यहां पर आएगा, दो छोड़कर जेड यहां पर आएगा, टी यहां पर आएगा, ठीक है। अब एम के लिए तो सिर्फ एक ही जगह बचती है, भाई कौन सी जगह बचती है, जून, जून वाली 30 की, तो यहां पर एम को रखोगे तो एम से दो छोड़कर ए ऊपर की तरफ ही आ सकता है, नीचे तो आ नहीं सकता भाई, क्यों नीचे नहीं आ सकता, नीचे क्यों नहीं आ सकता कोई बता सकता है, क्योंकि R के नीचे S और U चाहिए था आपको, मैं लिख के दिखाता हूं, जिनको भी इसमें नहीं समझ में आया, जो 20% लोग जिनसे नहीं बना, ध्यान से देखिए भाई, R अगर यहां नहीं आएगा तो मेरी मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बनती है, भाई जनवरी नहीं आएगा मतलब मार्च में ले सकते हैं R को, ले सकते हैं ना, तो R को यहां पर ले लो, R यहां भी हो सकता था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां नहीं हो सकता था, बट पहले इसको चेक तो करो कि ये गलत है कि नहीं, जब तक ये गलत नहीं हो रहा तो आप यहां पर कैसे मान सकते हो भाई, इसको पहले गलत साबित करो उसके बाद इसको लो, तो ये R यहां पर आपने जैसे ही लिया, दो छोड़कर जेड यहां हुआ, टी यहां हुआ, अब M आपको बोला है 30 वाले में होना चाहिए, तो इस 30 में तो नहीं हो सकता, तो M को यहां पर रखो। अब देखो R के नीचे आपको क्या चाहिए, S चाहिए और उसके नीचे U चाहिए, तो R के नीचे S यहां पर, U यहां पर, तो M से दो छोड़कर A सिर्फ यहीं पर आ सकता था, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, हलवा है एकदम, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, दूसरों से पहले बनाना है भाई, डन का मैसेज आना चाहिए जल्दी से। M के लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते थे क्या, प्लेसेस सबसे ज्यादा किस में फिल हो रही है, तो आप उस पे लगाओ ना, जैसे पिछले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपको ये दिख रहा था ना भाई कि ये कितने पर्सन है, भाई आपको ये लाइन पता है कि ये इतना ऐसा ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 7 मेंबर में 5 प्लेसेस ऑलरेडी फिल है, एक प्लेस को उसने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया कि वहां पर आर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली आर एक ही जगह पे आएगा ना, और तो कहीं नहीं रख सकते, कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 में से 1 2 3 4 5 5 हो चुके हैं, एक को इसने वैसे ही गलत कर दिया, यहाँ आर हो ही नहीं सकता था, 6 प्लेसेस फिल हो गई आपकी, एक ही प्लेस बचती है, यहाँ पर रखो, सॉल्व हो गया भाई। कल कोई बोल रहा था कि सर ये मॉक के लेवल नहीं है, दोस्तों ये मॉक के ही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैंने मॉक से ही लिए हैं, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क के लेवल के मॉक्स जो हैं
उन्हीं से मैं कर। अब आप कौन सा मॉक देते हैं मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि हर मॉक का एग्जाम लेवल नहीं होता। हर मॉक टेस्ट प्रीलिम्स लेवल एग्जाम लेवल नहीं होता है, तो आप मॉक देके ये मत सोचिएगा कि वही लेवल एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में जाओगे तब पता चलेगा। डन, कितने लोगों का हो गया भाई? यस करो जल्दी से। अब से डेली हम एक मॉडरेट क्वेश्चन पहला करेंगे और बाकी थोड़े इजी इजी करेंगे, क्योंकि इजी करने से क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, चीजें सीखने में आसान हो आसान लगते हैं, और हमारा क्या है ना, जब एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना तो ऑटोमेटिक हमसे क्वेश्चन बनने लगते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं दोस्तों आपको, सेवन बॉक्सेस जेड बी सी वाई ई एफ एंड जी वर केप्ट वन अबव अनदर बट फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देयर आर टू बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स वाई एंड जेड, वाई और जेड के बीच में दो बॉक्सेस है, बॉक्स बी इज केप्ट इमीडिएटली अबव जेड, बी जो है वो इमीडिएट ऊपर है जेड से, टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड सी, बी और सी के बीच में दो बॉक्सेस हैं, सी इज केप्ट अबव बी, तो सी जो है ये बी के ऊपर होगा, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है, एंड बॉक्स ई है, क्या बोला, ओनली, हाँ ठीक है ये तो हो गया था, बॉक्स जी इज केप्ट अबव सी, जी जो है वो सी के ऊपर होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, बट आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, लेकिन ये एडजेसेंट नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों कहां से स्टार्ट कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल बॉक्स पजल की ट्रिक्स आप लोगों को, ट्रिक जिनको नहीं पता भाई ध्यान से देखिएगा, बॉक्स पजल में किस तरीके की ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा प्लेसेस कहाँ पर फिल हो रही है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है, किसी भी बॉक्स पजल में नंबर देने की जरूरत नहीं है जब तक मेंशन ना किया गया हो कि इवन नंबर पे है, ऑड नंबर पे है, जो भी है, ठीक है, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं। अब बॉक्स पजल की ट्रिक लगाते कैसे हैं, ये तो ऐसे ही दिख रहा है यार सॉल्व हो गया करके, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आप पहले सोचो इसमें, क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब नहीं होता भाई कि बस सॉल्व कर लिया आगे बढ़ गए, नहीं, सोचो चीजों को, जितना सोचोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सबसे ज्यादा प्लेसेस कहाँ फिल हो रही है, इसमें फिल हो रही है, एक दो तीन चार, और इमीडिएट ऊपर नहीं है बोल रहा है, यानी कि पांच और छह, तो छह बॉक्सेस आप बना सकते हो भाई ऐसे, ये देखो ये जी है, ये जी है, एक छोड़कर सी, एक दो छोड़कर बी, ठीक है। अब यहां पर आपने जी को जो बनाया है ना, ये जी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ऐसे डॉट दे दूंगा। ये डॉट मैंने क्यों दिया, कोई बता सकता है, जल्दी से बताओ भाई, नॉट इमीडिएट है इस वजह से, देखो क्या है, कंफर्म है, आंसर बना के बता रहे हो, कंफर्म है भैया, आंसर देख के बात नहीं करना है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन बनाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, ताकि हर लेवल के क्वेश्चन आपसे बने जल्दी। आप अगर सिर्फ क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दोगे तो इस लेवल के क्वेश्चन तो बनेंगे, पर हाई लेवल क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ ताकि हर लेवल के क्वेश्चन बने। ये आपको सी दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि सी के ऊपर जी तो है बट इमीडिएट ऊपर नहीं है, मतलब डेफिनेटली सी के ऊपर जी यहां तो हो नहीं सकता, यहां हो सकता है, हो सकता है, मुझे नहीं पता कंफर्म है कि नहीं है, हो सकता है, ठीक है। अब देखो बॉक्सेस कितने हो रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमको कितने बॉक्स चाहिए थे, हमको सात बॉक्सेस चाहिए थे, एक आप ऊपर बनाओ एक आप नीचे बनाओ, सात बॉक्सेस चाहिए थे हमारे, कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स तो फिक्स हो गया ना, एक ऊपर बना दो एक नीचे बना दो, या तो ऊपर वाला यूज होगा या तो नीचे वाला यूज होगा, ऊपर का यूज हो गया तो नीचे का हटा देंगे, नीचे का यूज हो गया तो ऊपर का हटा देंगे, ये चीज हमेशा आप लोगों को करनी है बॉक्स वाले पजल में, जब भी आप लोगों को, हाँ तो वेट करो ना यार, थोड़ी देर समझा रहा हूँ, वेट तो करो, जब भी आप लोगों को बॉक्स पजल की ट्रिक वो करनी पड़ेगी ना, अप्लाई करनी पड़ेगी, तब आप लोगों को क्या करना है, हमेशा ये वाली चीज को अप्लाई करना है, कैसे, फिर से बता रहा हूं, देखो जब आपने कुछ चीजें फिक्स की, अभी यार ये जेड को मत फिक्स करो ना, क्यों फिक्स कर दे रहे हो, जेड को फिक्स कर दूंगा तो ये वाली ट्रिक समझाऊंगा कैसे, वो तो फिर कंफर्म हो गया ना साथ, थोड़ा वेट तो किया करो यार, वेट करो थोड़ा सा भाई, क्या बोला है आपको, आपको ये बोला था कि सी है दो छोड़कर नीचे बी है, सी से इमीडिएट ऊपर में जी नहीं हो सकता पर ऊपर है, तो एक बॉक्स छोड़ के तो जी यहां पर हो सकता था, यानी कि इतने बॉक्सेस तो कंफर्म थे,
अब जब इतने कंफर्म मिल रहे हैं, आपको पता है कि एक बॉक्स या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो यहाँ पर देखो ये बी के नीचे जेड है, तो ये जेड को आप यहाँ पर लगाए। अब जैसे ही ये जेड को आप नीचे लगाए, मतलब कि आपने नीचे वाले डॉट को यूज किया, मतलब ये डॉट यूज नहीं होगा, तो जी डेफिनेटली यहीं पर आएगा। ठीक है, जेड से दो छोड़कर वाई रखना था तो ये वाई हो गया। सी से एक छोड़कर आपको ई रखना था, तो ऊपर की तरफ तो हो नहीं सकता, तो यहां पर आ जाएगा। आपके पास बचा क्या है, एक नाम क्या बचा था भाई, जल्दी से बता दो। एफ बचा था, एफ को यहां पर रख दो। अच्छा, अब ये जो ट्रिक थी ना, ये इसको लगाते कहां कहां पर है भाई, ये तो क्वेश्चन बहुत हलवा है, ये तो हलवा चीज है। यहां तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जेड डायरेक्ट फिक्स हो रहा था। ये चीज आपको तब काम में आएगी जब चीजें फिक्स नहीं होती है। मान लो 8 बॉक्स का पजल है, आपको 6 बॉक्सेस मिल चुके हैं कि भाई 6 बॉक्सेस तो कंफर्म है कि इसी लाइन पर ऐसे होंगे, तो करना क्या है आपको, 6 मिल चुके हैं, आप 2 ऊपर बना दो और 2 नीचे बना दो। या तो दोनों नीचे के यूज होंगे, या तो दोनों ऊपर के यूज होंगे, या फिर एक ऊपर और एक नीचे का यूज होगा। तो जो यूज हो रहे हैं 2 बॉक्सेस, उन 2 को छोड़कर बाकी के हटा दो। तो ये ट्रिक आपको हमेशा लगानी है भाई, ट्राई करिएगा, मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा इस तरीके के आप लोगों को। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। अटेंडेंस अभी है करीब 3250 लोग। YouTube पे क्लास है? हाँ, YouTube पे क्लास है 12:30 बजे, 12:30 बजे बैंक प्रो चैनल पर क्लास है आज मेरे ख्याल से। मशीन इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट की क्लास है आज। और इसके अलावा मैं अपने चैनल पर भी लूंगा, एक DI की क्लास लूंगा मैं, तो जिसको भी DI में दिक्कत होती है जरूर आइएगा। बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल, बैंकिंग क्रॉनिकल YouTube चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप ऐसे एट द रेट यहाँ पर ऐसा YT लगा दोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। 42K मेंबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी उसमें, सारी लिंक्स आपको वहीं पर मिलेगी। क्वेश्चंस वगैरह भी मिलने चालू होंगे थोड़े दिन में, वहीं पर क्विजेस वगैरह होंगे। और अनअकैडमी प्लस का जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो इस कोड का इस्तेमाल करके ले सकते हो, BC10 या फिर Ankush YT10। मेरे 2 बैचेस चालू हो रहे हैं अभी, 100 सेट ऑफ DI के और इसके अलावा कंप्लीट रीजनिंग का। ये कंप्लीट रीजनिंग का जो कोर्स है, इसके लिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है स्टूडेंट्स की। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर चुके हैं अभी तक, करीब करीब 4,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर चुके हैं। तो ये जो कंप्लीट रीजनिंग का बैच चालू हो रहा है 8 जून से, इसमें रिक्वेस्ट जो आ रही है वो ये है कि अभी जो 24 क्लासेस मैंने इसमें शेड्यूल की हैं, तो काफी स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर 24 क्लासेस को बढ़ाकर आप 40 क्लासेस तक कर दो इसको, कंप्लीट रीजनिंग में। तो मैं कोशिश करूंगा इसको कि मैं ये वाला जो कोर्स चालू होने वाला है 8 तारीख से, इसकी 24 क्लासेस को मैं बढ़ाकर 40 क्लासेस कर दूँ, क्योंकि वाला जो बैच है उसको मर्ज किया जाएगा सारे बैंक प्रो के एजुकेटर्स के साथ। जो बैंक प्रो यूट्यूब चैनल है, आशीष सर मेरा और कपिल काटपाल सर और साक्षी मैम का, तो इन चारों का बैच मर्ज करके एक कंप्लीट बैच बनाया जाएगा उसमें। तो देखते हैं क्या हो पाता है। चलिए, डन हो गया भाई, कितने लोगों का सॉल्व हो गया जल्दी से बता दो, यस कर दो जल्दी से। कल फिर से 10:30 बजे मिलेगा दोस्तों, मिस नहीं करिएगा 10:30 बजे सुबह, है ना, कोई भी क्लास मिस नहीं करना। 10:30 बजे होती है क्लास, जब तक मेरा नया बैच स्टार्ट नहीं हो जाता, वो स्टार्ट हो जाएगा तो टाइमिंग थोड़ी चेंज कर देंगे हम। चलिए, इस क्वेश्चन में देखिए कुछ अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखिएगा भाई, भगना नहीं है, अच्छी चीज सीखना है तो भगना नहीं है, क्योंकि पैरेलल वाला है, शायद कुछ हम अच्छा सीख जाए इसमें। 10% आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, 5% KMNOP आर सिटिंग इन रो 1 एंड फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। तो ये लोग ऊपर वाली रो पर है KMNOP और ये लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। QTUVW, ये सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो भाई इसको ऐसा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है, ऑल द डेटा इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, के सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस यू। अब देखिए के ऊपर की तरफ बैठा है, ऐसे केस में जब आपको पता हो कि कौन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेट करना होता है।
ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेट करना होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, भाई आपको बोल रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, के सिट्स टू इमीडिएट राइट, तो भाई के नीचे की तरफ देख रहा है, तो इस पर्सन के इमीडिएट राइट मतलब इस तरफ हो जाएगा ना के, ऐसा होगा इस तरफ, क्योंकि भाई ये पर्सन जो है ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है। और क्या बोला है आपको, के सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस यू, जो यू को फेस कर रहा है। अब आपको आगे क्या बोला है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बैठता है। वी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, वी जो है वो एक एंड पर बैठा है। इससे आपका कंफर्म हो गया भाई, इतनी चीज पढ़कर कोई भी जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है वो ये बता सकता है डेफिनेटली यू यहां पर आएगा, के यहां पर आएगा, 101%। हाँ या ना, जल्दी बताओ। आएगा ना भाई, जब आपको पता है यू से एक पर्सन छोड़कर वी है और वी एंड पर है, तो भाई यू को आप मिड पे ही रखोगे, एक पर्सन छोड़कर, चाहे वी इस एंड पर आए चाहे वी इस एंड पर आए, आपको नहीं पता। आगे देखते हैं, एम सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन, एम जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है एन के, एन के थर्ड टू लेफ्ट में एम बैठता है, यहीं पर बैठेगा एन, ऐसा एम ऐसा, और तो कोई जगह ही नहीं है। हाँ या ना, जल्दी बताओ। एम सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन, तो एन नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एम बैठा है एन से। एम डज नॉट फेस क्यू, यहां पर क्यू नहीं आना चाहिए। ओ डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ओ जो है वो एंड पर नहीं बैठता है, ओ एंड पर नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, टी सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, टी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है डब्ल्यू के। अब देखो ध्यान से देखना भाई, अगर ओ जो है वो एंड पर नहीं बैठता, यहां पर ओ नहीं आ सकता, तो ओ ही आएगा सिर्फ यहां पर भाई, इस एंड पे नहीं आ सकता, तो ओ यहीं पर आएगा ना, बचा क्या था, पी बचा था, पी को रख दो यहां पर। अब क्या बचता है आपके पास, अगर मैं टी और डब्ल्यू को यहां पर रख दूंगा, ध्यान से देखना भाई इस चीज को, अगर मैं ये टी डब्ल्यू को यहां पर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, वी यहां पर आ जाएगा इस एंड पे, तो क्यू यहीं पर रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, टी को यहां, डब्ल्यू को यहां, वी को यहां, क्यू को यहां, क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया? हाँ आना, जल्दी बताइए। दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, हाँ दिमाग, देखो दिमाग जितना दौड़ाओगे उतना आपका रीजनिंग अच्छा होगा, और रीजनिंग तो अच्छा होगा ही होगा, मैथ्स भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैथ्स में भी ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको सोचने की जरूरत होती है, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, जैसे कि नंबर सीरीज, जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे कि भाई उसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, तब तक आप कैसे बनाओगे। इमेजिनेशन बहुत जरूरी होता है। देखिए रिपीट बोल रहे हैं कुछ लोग, इसमें रिपीट करने वाला कुछ था ही नहीं भाई। देखो इतना हम बना चुके थे, आपको बोला था कि ओ एंड पे नहीं होगा, अगर ओ इस एंड पे नहीं आ सकता तो ओ यहां आएगा, बचा क्या, पी, उसको यहां पर रख दो, ठीक। अब आपको पता है ना, यू से वी या तो इस एंड पे या तो वी इस एंड पे, तो टी जो है वो डब्ल्यू के लेफ्ट में है, अगर मैं टी और डब्ल्यू को यहां पर रखता तो V इस एंड पे होता, Q यहां पर आता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन अगर मैं T और W को यहां पर रख देता तो क्या हो जाता, V इस एंड पे आता, Q यहां आ जाता, जो कि नहीं आना चाहिए, गलत होता, तो इसीलिए ये ऐसा सॉल्व हो गया, ये सेट हो गया आपका, ठीक है। समझ में आया सभी को, मंथ वाला मेरा गलत है, क्या गलत है भाई मंथ वाले में मेरा, देखो एक बार क्या गलत है, जल्दी से बताइए इसमें मेरे मंथ वाले में, ARSMZTU इसका आंसर देख लेते हैं, ARSMZTU सही तो है यार, सही है भाई, ऐसे कैसे गलत बोल देते हो, आप चेक करिए एक बार, A30 में नहीं बोला है, टू पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड एम, एम वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ हैविंग 30 days, एम जो है वो 30 days में है, ए नहीं है 30 days में, कैसे कर दे रहे हो यार। चलिए ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यहाँ आंसर चेक कर सकते हो आप लोग, जो भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो वेट कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस पर मेरा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है,
तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। बाकी लोग जा सकते हैं, बाकी लोगों की छुट्टी कल सुबह 10:30 बजे मिलेंगे फिर से। तो कल 10:30 बजे आप लोग आ जाइएगा भाई, जितने लोग नहीं है इंटरेस्टेड, और जो इंटरेस्टेड है या जानना चाहते हैं एक्चुअल में होता क्या है प्लस, तो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में या किसी भी ऑनलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में बहुत ही बेस्ट सर्विसेज यहाँ पर आपको मिलती हैं। क्या क्या मिलता है भाई इसमें आपको? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हो बैचेस। ऑल टीचर्स, आप किसी भी टीचर की क्लासेस देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप सिर्फ मेरी क्लासेस देख पाओगे, आपकी जो मर्जी, आप मैथ्स देखो, आप रीजनिंग देखो, आप इंग्लिश देखो, आप जीके देखो, कंप्यूटर देखो, जो पढ़ना पढ़ो। लेकिन एक कैटेगरी, जैसे अगर आपने बैंक एग्जाम सिलेक्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जाम्स का ही आप देख सकते हो, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी इससे नहीं कर सकते। फिर अगर आपने बैंक का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप चाहते हो किसी और की भी तैयारी करना, आप उसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, पर उसके लिए अलग चार्जेस आपके आपको पे करने पड़ेंगे। तो बैंक एग्जाम अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ऑल टीचर्स, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल एग्जाम, सारे एग्जाम के बैचेस आप देख पाओगे, ऑल बैचेस, ऑल कोर्सेस, सारे के सारे कोर्सेस, प्री प्लस मेंस, जो भी कोर्सेस आएंगे सारे टीचर्स के, आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। ऑल क्लासेस भी बोल सकते हैं हम, ऑल क्लासेस का मतलब भाई प्रीवियस जो खत्म हो चुकी है क्लासेस उनको भी आप देख सकते हो, अपकमिंग जो है उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाता है, क्विजेज आपको मिल जाते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है दोस्तों, तो अनलिमिटेड चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकॉर्डिंग सेशंस वगैरह सब कुछ है, तो आपको जब मर्जी पीडीएफ डाउनलोड करना है पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो, पुरानी क्लास देखनी है पुरानी क्लास देख लो, तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। इसमें जो फीस होती है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं ऑफलाइन वगैरह। तो इसमें जो फीस है, अगर आप एक साल तक ये सारी चीजें देखना चाहते हो, जितने भी बैचेस आएंगे, क्योंकि हर एग्जाम के लिए बैचेस आते रहते हैं हर टीचर के। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो एक एग्जाम के लिए मेरे चार बैचेस आते हैं, मेरे चार बैचेस आते हैं। कैसे भाई? दो प्री के आते हैं और दो मेंस के आते हैं। दो प्री में एक आपका रीजनिंग का प्री रहता है, एक क्वांट का प्री रहता है। दो मेंस में एक क्वांट का मेंस रहता है, एक रीजनिंग का मेंस रहता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट मैं कवर करता हूं, और ये आप लोगों का अभी आने वाले जो ये दो बैचेस हैं, अगले महीने के जो कोर्सेस हैं, मतलब इस महीने के जो कोर्सेस हैं, जून से, 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे क्लासेस होंगी, सुबह 10 से 11:30 बजे तक डीआई की क्लासेस होगी, जिसमें हम 100 डीआई करेंगे। एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 500 क्वेश्चंस में आप लोगों को करवाऊंगा, और 100 डीआई में आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ठीक है। और जो रीजनिंग वाला बैच है ये भी आप लोगों का मंडे ट्यूसडे वेंसडे होगा, इसकी क्लासेस आप लोगों की 1:30 बजे से 3 बजे तक होगी दोपहर में, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को 24 क्लासेस इसमें। हालांकि ये वाली 24 क्लासेस मैं थोड़ा सा इंक्रीज करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, आज अगर लोगे तो आप एनरोल कोई से भी कोर्सेस में कर सकते हो, जो कोर्सेस मेरे खत्म हो चुके हैं आप उनको भी एनरोल करके उनको भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपने मिस कर दिया, मतलब ऐसा रहता है ना कभी कभार मन में रहता है, काश हम पिछले साल से फॉलो कर रहे होते तो अभी काफी फायदा मिल गया होता, तो ऐसा रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। पिछले साल के भी सारे कोर्सेस आपके पास अवेलेबल रहते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो डिस्काउंट कोड भाई नोट कर लीजिए, BC10। अगर ये कोड अप्लाई नहीं होता है तो आप ये वाला कोड यूज करिएगा, ANKUSHYT10। तो इन दो कोड में से आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, ये दोनों में कोई ना कोई एक कोड अप्लाई हो ही जाएगा, और जरूर इन दोनों कोड में से कोई एक अप्लाई करिए, आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो भी मैंने बताया है। और जो फीस है वो है 1 ईयर की। अगर आप एक साल तक पढ़ाई करना चाहते हैं, सारे बैचेस, सारे कोर्सेस अटेंड करना चाहते हैं, हर एग्जाम लेवल के कोर्सेस आप अटेंड करना चाहते हैं, तो इसकी फीस जो है वो है 6,000, जिसमें कि 600 आपका डिस्काउंट हो जाएगा, 5,400 आपको पड़ेगा एक साल तक अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, आपने आज लिया है तो अगले साल आज की डेट तक, मतलब आज 4 जून है तो मान के चलो 3 जून तक नेक्स्ट ईयर आपका वो सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा 5,400 में। और जो बिगिनर्स है जिन्होंने अभी अभी तैयारी चालू की है उनको मैं रिकमेंड करूंगा 2 साल का, क्योंकि इस साल के जो पेपर है वो एकदम हॉचपॉच होकर आएंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन उसकी करने के लिए सारे कोर्सेस नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप लोगों को ऐसा रहेगा यार थोड़ा सा हम सेल्फ भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एग्जाम आएगा तो आप क्या प्रीलिम्स कर रहे होगे, मेंस का नहीं देख पाओगे। तो वो सब चीजों को अगर आपको कवर करना है मेंस वगैरह के बैचेस, तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहेगा। इसकी फीस और भी कम रहती है, 7,200, इसमें 720 का डिस्काउंट है।
मतलब 1,080 रुपये का डिफरेंस है दोनों में, इसमें 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, 1,080 में 1 ईयर एक्स्ट्रा मिल जाता है। सिलेक्शन हो जाए तो किसी दूसरे को दे देना भाई, वो भी दुआएं देगा। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को, ये काम है भाई, तो इसके लिए कुछ लोग मना करते हैं, अरे सर प्रमोशन क्यों करते हो, करना पड़ता है भाई, मजबूरी है। अपने आप के बारे में बताइए, मेरे बारे में तो जानते हैं यार सब लोग, कितने लोग हैं मेरे बारे में नहीं जानते, जो कितने लोग हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते, जो जानते हैं वो लोग यस करो, जो नहीं जानते नो करो। सत्तर परसेंट लोग जानते हैं, 30% नहीं जानते। माई सेल्फ अंकुश लांबा, मैंने 2015 में नवंबर में अपने बैंकिंग की तैयारी चालू की थी, और 2016 में मेरे कोई भी पेपर नहीं निकले। 2016 का जो IBPS PO का पेपर हुआ था, तो उसमें मेरा 0.75 इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ रुक गया था, बाकी कट ऑफ से मेरे 12 नंबर, 10 12 नंबर ऊपर थे ओवरऑल कट ऑफ से, लेकिन इंग्लिश की वजह से मेरा पेपर नहीं निकल पाया। फिर 2017 में थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मुझे कोई अच्छा सोर्सेस नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था जून में, क्योंकि पजल के लिए कोई भी सोर्सेस नहीं मिलते थे मुझे पढ़ने के लिए। मैंने सोचा चलो मैं ही सिखाता हूँ पजल, अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि कोई सिखाता था नहीं उस टाइम पे। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, और अक्टूबर में मुझे अनअकैडमी से कॉल आया कि आपका चैनल, उस समय 17,000 मेंबर्स थे, तो 70,000 सब्सक्राइबर्स थे, तो उस टाइम अनअकैडमी से कॉल आया, अच्छा पढ़ाते हो यार, देखा हमने वीडियो, तो ट्राई करो अनअकैडमी पे करके। तो मैं आ गया अनअकैडमी पे, चालू कर दिया, और जो नवंबर में मैंने पेपर दिया था RRBPO और RRB क्लर्क, तो ये दोनों ही पेपर क्लियर हो गए। इसके पहले भी बहुत सारे पेपर क्लियर हुए थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इंटरव्यू से बाहर हो गया था, इंटरव्यू में 1-2 नंबर से कमी रह गई थी। RRBPO और क्लर्क में सिलेक्शन हुआ मार्च, मतलब फरवरी में रिजल्ट आया, 1 फेब को सिलेक्शन हो गया, 14 मार्च को मैंने ज्वाइनिंग ले ली बैंक में एज एन ऑफिसर स्केल 1, मतलब PO, और घर से करीब 450 किलोमीटर दूर पोस्टिंग थी, बस यही सब है। और फिर सितंबर 29 को मैंने रिज़ाइन दे दिया, और उसके बाद से मैं कंटिन्यू फिर फुल टाइम टीचिंग ही कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट में आप सब्सक्रिप्शन तब ले सकते हो जब आपके पास क्रेडिट कार्ड है, DI बेसिक से होगा। अरे आप आओ तो सही क्लास में, क्यों टेंशन लेते हो यार, मेरी कौन सी क्लास बेसिक से नहीं होती आप ये बताओ। सिर्फ वही स्टूडेंट ये बोल पाएगा कि सर की क्लास बेसिक से नहीं होती जिसको क्लास में, मतलब जिसका क्लास में ध्यान नहीं होगा, जो ध्यान से सुन नहीं रहा होगा, जो सिर्फ अपने अंदर एक वो बना के रखा हुआ है कि भाई ये तो बेसिक से नहीं है। आप अपने दिमाग से सब कुछ खाली करके अगर क्लास में आके सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास बैठकर सुन लोगे, आप खुद बोलोगे कि सर सब कुछ समझ में आ गया A to Z। अगर आप अच्छे से सुनोगे तो थोड़ी बहुत चीजें रह जाती है, क्योंकि हर चीज एक साथ ही नहीं समझ में आती, हो सकता है आप उस क्लास में नहीं समझे अगली क्लास में सुनो। गर्ल्स की इतनी दूर पोस्टिंग नहीं होती है, थोड़ी बहुत दूर होती है, रूरल में नहीं देते गर्ल्स को। जो अफोर्ड नहीं कर सके वो क्या करेगा, देखो यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हो, जो फ्री क्लासेस होती है आप उनसे भी पढ़ सकते हो, आप बुक्स ले सकते हो। देखो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा यार, कहीं ना कहीं तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिना इन्वेस्ट किए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर कायदे से बोला जाए तो फॉर्म भरने के लिए भी तो आखिर आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो ना, अगर आप 10 फॉर्म भी भरते हो तो 7,000 तो आप कैसे ही चले गए। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। आखिर बुक खरीदोगे उसमें भी पैसे लगेंगे, कोई टेस्ट सीरीज खरीदोगे उसमें भी पैसे लगेंगे, कहीं ना कहीं तो आप पैसे लगाओगे। तो सोच समझ कर लगाओ कौन सी जगह पर लगाना चाहिए, सही जगह पर लगाइए तो बिल्कुल आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा, गलत जगह पर अगर पैसे इन्वेस्ट करते रहोगे तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। प्लस में मॉक टेस्ट भी मिलेगा, लेकिन देखो बात ये होती है ना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, मॉक देना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, डायरेक्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, सिर्फ क्लासेस देखना चाहते हो, तो आपके ऊपर है वो चॉइस पूरी।
खत्म करें क्लास को, काफी सारे स्टूडेंट्स आए थे आज, अच्छा लगा। रिजाइन क्यों दिया? क्योंकि वहां पर नेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं था और बैंक से आने के बाद मैं क्लासेस नहीं ले पाता था, थकान हो जाती थी सुबह, क्योंकि सुबह उठ के खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, बैंक जाओ, 30 किलोमीटर दूर पड़ता था मुझे बैंक, तो बाइक चला के उतनी दूर जाना, फिर वहां से रात को 7-8 बजे तक आना, उसके बाद फिर रात का खाना बनाना, फिर एक क्लास होती थी 1.5 घंटे की, फिर उसके बाद वीडियोस बनाने होते थे, तो कपड़े धोना होता था, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ खुद ही करना होता था वहां पर, तो नहीं हो पा रहा था यार सब कुछ। ऊपर से नेट कनेक्शन भी अच्छा नहीं था। अभी करीब 800 लोग हैं और टोटल आज थे करीब 3,500 स्टूडेंट्स आए थे, 3200-3300 रुके हुए थे क्लास में आखिरी तक, बस ऐसे ही आते रहे स्टूडेंट्स, बस आप लोगों का प्यार बना रहे, और क्या चाहिए। कॉइन से डिस्काउंट मिलता है 10% का एक्स्ट्रा अगर आपके पास कॉइन्स हैं तो, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आप वीडियोस वगैरह पहले से देखते आ रहे हैं, तो उससे जो कॉइन्स आपने गेन किए हैं उन कॉइन्स को आप रिडीम कर सकते हैं। सर एनरोल कैसे करें? अनिकेत जी, आप ना जब इस पे जाओगे ना प्लस पे, जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लोगे और वहां पर आपको ऐसा कोई कोर्स दिख रहा है, मान लो मेरा यहाँ पर नाम वाम दिख रहा है और ये कोर्स, वहां पर ऐसा एक प्लस का साइन होता है ऊपर में, बस उस पर क्लिक कर दोगे तो एनरोल हो जाता है, आपके एनरोल्ड कोर्सेस में आ जाएगा फिर वो। कॉइन्स वाला हट गया है क्या? हाँ, कॉइन्स का डिस्काउंट शायद हट गया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया। हेमंत जी देखिए, 3 महीने का आप ले लोगे लेकिन वो कॉस्टली पड़ेगा ना आपको, वो कॉस्टली पड़ेगा, थोड़ा वेट करके लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो वही एडवाइस आपको दूंगा जो आपके लिए सही है, क्योंकि 3 महीने का लेने से आपके पास यही बात हो जाएगी ना कि आप 3,500 के आसपास लगा रहे हो, समथिंग समथिंग, तो थोड़ा वेट करके ले लो यार। बट अब ऐसा तो नहीं है ना, देखो जैसे मेरे को मान के चलो, मैं फॉर एग्जाम्पल एक चीज बताता हूँ आपको, मान लो मेरे को लेनी है बाइक, ठीक है, बाइक चाहिए मुझे, क्या थोड़ी फैशनेबल बाइक, जैसे कि कॉलेज में लड़कों का शौक रहता है, तो बाइक है भाई 1 लाख की। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं सीडी डिलक्स तो नहीं लूंगा कि चलो अभी काम चलाने के लिए सीडी डिलक्स ले लेते हैं, थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप वेट करोगे तो पीछे हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है कि वेट करोगे तो पीछे हो जाओगे, आप सही तरीके से पढ़ाई करो ना, जो फ्री क्लासेस अभी चल रही है अभी फ्री क्लासेस पे फोकस करो, एटलीस्ट जब तक आप नहीं प्लस पे आते हो तब तक आप पजल को इम्प्रूव करो अपने। फ्री क्लासेस में मैं और भी रीजनिंग के टॉपिक कराता हूँ, आप वहां से उन टॉपिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, तो अपने हिसाब से थोड़ा करो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बाकी समझदार हो आप अपने हिसाब से थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, जो सही है वैसा करो, आपको जैसा सही लगता है। 100 से ज्यादा कराना सर डीआई? अरे 100 डीआई में ही हालत खराब हो जाएगी, 100 डीआई बहुत होते हैं, 100 होमवर्क भी तो दूंगा। मैजिक बॉक्स कल है शायद वो। संजय जी बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं तो मैं लिमिटेड ही रिप्लाई कर पाता हूँ, सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, पर हाँ ये है कि मुझे पता रहता है कि डाउट्स किस प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो मैं बीच बीच में क्लियर करते रहता हूँ, तो बस अगर आप सुनते भी रहोगे ना मेरी क्लासेस तो आपका डाउट क्लियर हो ही जाएगा, इस चीज की गारंटी है। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।